सब्सक्राइब करें स्मार्टफोन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइज, वेलकम टू स्मार्टफोन यूट्यूब चैनल। और गाइज, आज हम बात करने वाले रियलमी 9i वर्सेस रियलमी 8i, इन दोनों डिवाइस के फीचर्स को आज हम कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि सही में आपको कौन से स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए, रियलमी 9i या तो रियलमी 8i को। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले डायमेंशन के बारे में। तो Realme 9i के अंदर में वीट देखने को मिलती है 75.7 mm, हाइट यहाँ पर हमें 164.4 mm देखने को मिल जाती है, डेप्थ यहाँ पर हमें 8.4 mm देखने को मिलता है, वेट यहाँ पर हमें 190 ग्राम देखने को मिल जाता है। Realme 8i की बात कर ले तो वेट यहाँ पर हमें 75.5 mm, हाइट यहाँ पर हमें 164.1 mm, डेप्थ यहाँ पर हमें 8.5 mm देखने को मिलती है, वेट यहाँ पर हमें 194 ग्राम देखने को मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट दोनों का डायमेंशन यहाँ पर हमें सेम देखने को मिलता है, यानी कि हैंड फील के लिए आप किसी भी स्मार्टफोन को इन दोनों में से परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्ले के बारे में। तो 9i के अंदर में 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 1080x2412 पिक्सल का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 84.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो 400 PPI देखने को मिल जाते हैं, ड्रैगन ट्रेल का प्रो ग्लास देखने को मिल जाता है। 8i की बात कर ले तो यहाँ पर हमें 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 1080x2412 पिक्सल का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 84.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो और 400 PPI देखने को मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। इस ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पर हमें सेम देखने को मिलती है, बट रियलमी 8i के अंदर हमें डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो काफी कमाल का देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप गेम वगैरह के दीवाने हो तो आपको रिफ्रेश रेट काफी अच्छा होना चाहिए, तो आप रियलमी 8i को परचेस कर सकते हो। इसके अलावा तो सारे फीचर्स यहां पर हमें सेम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं दोनों के कैमरा सेटअप के बारे में। तो कैमरा सेटअप दोनों में यहां पर हमें सेम देखने को मिलता है, दोनों के अंदर हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 15 मेगापिक्सल का मेन लेंस देखने को मिलता है दोनों डिवाइस के अंदर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिल जाता है, 1080 पिक्सल की 13 FPS वाली वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों के अंदर देखने को मिलती है, और सेल्फी कैमरा हमें दोनों में 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तो गाइस, कैमरा सेटअप दोनों का सेम है, तो यहाँ पर मैं हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप नया वाला रियलमी 9i ही परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर हमें दोनों के अंदर एंड्रॉइड 11 और रियलमी UI 2.0 देखने को मिलती है। चिपसेट की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर रियलमी 9i के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 4G वाला 12 नैनोमीटर वाला चिपसेट देखने को मिलता है, वही 8i के अंदर हमें मीडियाटेक हेलियो G96 का 12 नैनोमीटर वाला चिपसेट देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट जो परफॉर्मेंस है दोनों चिपसेट का काफी कमाल का है, यानी कि यहां पर ज्यादातर डिफरेंट देखने को नहीं मिलता। तो परफॉर्मेंस के लिए भी आप किसी भी डिवाइस को परचेस कर सकते हो, अगर आप रियलमी 8i यूज कर रहे हो तो वो भी काफी कमाल का है। अगर आपको नया स्मार्टफोन खरीदना है तो आप 9i भी परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं दोनों के मेमोरी के बारे में। तो यहां पर दोनों डिवाइस के अंदर हमें 4GB और 6GB रैम वाले दो दो वेरियंट्स देखने को मिल जाएंगे, 64 और 128GB स्टोरेज वाले दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक्सपांडेबल स्टोरेज यहां पर आप 9i के अंदर 1TB तक यूज कर सकते हो और 8i के अंदर आप 512GB तक यूज कर सकते हो, तो काफी कमाल का 20B अच्छा रहता है। और डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट दोनों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, यानी ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड आप दोनों डिवाइस के अंदर यूज कर सकते हो। तो सेम इट इज ऑलवेज सेम देखने को मिलता है सिर्फ एक्सपांडेबल स्टोरेज के अलावा, तो ये ज्यादातर दिक्कत नहीं, तो आप किसी भी डिवाइस को परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं दोनों के बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर 9i के अंदर 5000mAh बैटरी और 8i के अंदर भी हमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बट चार्जर की यहाँ पर हम बात कर ले तो 9i के अंदर हमें 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि 8i के अंदर 18W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। तो चार्जर के लिए 9i काफी बेहतर है, तो अभी तक आपको स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो 9i बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। तो 9i और 8i दोनों के अंदर हमें साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, फेस रिकॉग्निशन देखने को मिलता है, तो दोनों के अंदर सेम सिक्योरिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हो प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो दोनों डिवाइस के अंदर में 4GB और 64GB वाला वेरिएंट 14,000 की प्राइस में हमें देखने को मिल जाता है, और 6GB और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 16,000 की रेंज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्राइस भी सेम देखने को मिलती है दोनों के अंदर। कैलकुलेशन की बात कर ले गाइस, तो यहाँ पर हमें 9i और 8i के अंदर सेम डिस्प्ले देखने को मिलता है। चिपसेट वगैरह की बात कर ले तो सेम परफॉर्मेंस वाले दो चिपसेट देखने को मिल जाते हैं दोनों के अंदर, एंड्रॉइड 11 देखने को मिलते हैं, 15 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है। और बैटरी वगैरह की बात कर ले तो 5000mAh की बैटरी दोनों डिवाइस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, बट चार्जिंग यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। 9i के अंदर काफी कमाल का 33W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, वही 8i के अंदर हमें 18W
वॉट का ही चार्जर देखने को मिलता है। तो बेटर चार्जर यहाँ पर हमें 9i के अंदर देखने को मिलता है। रैम और स्टोरेज और प्राइस की बात करें तो यहाँ पर दोनों में सेम डिवाइस देखने को मिलते हैं, 464 और 6128, और प्राइस सेगमेंट में दोनों का सेम देखने को मिलता है, 14,000 और 16,000। तो गाइस यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अभी फिलहाल नया डिवाइस खरीदना चाहते हो तो आपको 8i को छोड़ देना चाहिए और 9i को परचेस करना चाहिए, क्योंकि 9i काफी नया है और काफी कमाल का डिवाइस है। तो गाइस ये था रियलमी 9i वर्सेस रियलमी 8i का फ्यूचर्स कंपैरिजन। आपको इन दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस सबसे बेहतर लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।